नमस्कार, सी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश। राष्ट्रपति ने 70वीं आजादी की 70वीं सालगिरह की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने संसद से जीएसटी पास होने पर कहा कि अभी हाल ही में खत्म हुए संसद के सत्र में जीएसटी लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक का पारित होना हमारी लोकतांत्रिक परिपक्वता पर गर्व करने के लिए पर्याप्त है। राष्ट्रपति ने देश की अर्थव्यवस्था में तेजी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि लगातार दो बार सूखे के बावजूद देश की मुद्रास्फीति 6% से कम रही। इंडिया विल ग्रो ओनली व्हेन ऑल ऑफ इंडिया ग्रोस, द एक्सक्लूडेड वंस हैव टू बी इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, द हार्ट एंड द अलाइनेटेड हैव टू बी ब्रॉट बैक इन टू द मेन स्ट्रीम। इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस, machine are being pitted against men. The only way to survive this is to acquire knowledge and skills and learn to innovate. Inclusive innovations linked to the aspirations of our people can benefit a wide spectrum of society as well as preserve our diversity. We as a nation must nurture creativity, science and technology. Here, our schools and institutions of higher learning have a special responsibility. We often celebrate the achievements of our ancient past, but it would be wrong to rest on our laurels. It is much more important to look to the future. It is time to join hands, to cooperate, innovate and advance. India has had remarkable growth in recent times, often growing above 8% per annum over the last decade. International agencies have acknowledged India's status as the fastest growing major economy in the world and recognized major improvements in indices of ease of doing business and logistics performance. The startup movement and the innovative spirit of our young entrepreneurs have also attracted international attention. We must build on our strengths so that this lead can be sustained and turned and furthered. A normal monsoon this year gives us reason to cheer, unlike the past 2 years when below normal rains created agrarian distress. The fact that despite 2 consecutive drought years, inflation has remained below 6% and agricultural output has been stable is a testimony to our nation's resilience and to how far we have progressed since independence. राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं और बच्चों को दी गई सुरक्षा और हिफाजत देश और समाज की खुशहाली सुनिश्चित करती है। एक महिला या बच्चे के प्रति हिंसा की हर घटना सभ्यता की आत्मा पर जख्म देती है। अगर हम इस कर्तव्य में विफल रहते हैं तो हम एक सभ्य समाज नहीं कहला सकते। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दैट वी प्रोवाइड टू आवर वीमेन एंड चिल्ड्रेन determines the well-being of the state and society. Every incident of violence against a woman or a child inflicts a wound on the soul of civilization. We cannot call ourselves a civilized society if we fail in this duty. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में कुछ अशांत विघटनकारी और इनटॉलरेंट शक्तियों ने सिर उठाया है और इसने राष्ट्रीय चरित्र के खिलाफ कमजोर वर्गों पर हमले किए। उन्होंने कहा कि ऐसी शक्तियों से सख्ती से निपटने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि ऐसे तत्वों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और भारत की शानदार विकास गाथा बिना रुकावट आगे बढ़ती रहेगी। of divisiveness and intolerance trying to raise their ugly head. Attacks on weaker sections that militate against our national ethos are aberrations that need to be dealt with firmly. और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। आजादी की 70वीं सालगिरह से पहले देश की 2 ऐतिहासिक इमारतें
तिरंगे के रंग में नजर आ रही हैं। जी हां, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये दो ऐतिहासिक इमारतें मुंबई में जो तिरंगे के रंग में सराबोर हैं, तिरंगे के रंग में रंगी हुई हैं। ये खूबसूरत इमारत छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आप देख रहे हैं, बिल्कुल जगमगा रही है और आज़ादी का जश्न मनाने के लिए मुंबई भी पूरी तरह तैयार है। और सुरक्षा की बात की जाए तो चाक चौबंद सुरक्षा। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत है दलाल स्ट्रीट मुंबई में। तो एक बार फिर से आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये दोनों मुंबई की ये इमारतें। 15 अगस्त को आतंकी हमले का अलर्ट है। मुंबई, गुजरात और गोवा में समंदर के रास्ते आतंकी घुस सकते हैं और भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बना सकते हैं। समंदर को हथियार बना सकते हैं आतंकी। 15 अगस्त पर समंदर के रास्ते आतंक की साजिश। मुंबई, गोवा और गुजरात के समंदर से लगे इलाकों में आतंकी हमले का खतरा है। खुफिया विभाग ने 15 अगस्त को देखते हुए मुंबई और आसपास के समुद्र में अलर्ट जारी कर दिया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक 26/11 आतंकी हमले के लिए मछुआरों की नाव का इस्तेमाल करने वाले आतंकी इस बार कारोबारी जहाज से हथियार ला सकते हैं। देश के खुफिया एजेंसी के जरिए ये अलर्ट जारी किया गया है कि मुंबई, गुजरात और गोवा के समुद्री इलाकों के जरिए आतंकी हमले हो सकते हैं या इस तरह की गतिविधियां तेज हो सकती है जो देश के लिए नुकसान हो। और ये सारी कवायद 15 अगस्त के मौके पर करने की तैयारी है कि आखिर किस तरह से आतंकी देश को निशाना बना सकते हैं। करीब दो हफ्ते पहले मिली इस खुफिया सूचना के बाद नौसेना से लेकर कोस्ट गार्ड और पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। विदेशों से आने वाले पानी के कारोबारी जहाजों की सघन तलाशी ली जा रही है। जो भी पर्याप्त मात्रा में उपायोजना करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, उसका पूरा इंतजाम मुंबई पुलिस की तरफ से हो गया। कहीं किसी तरह की चूक न रह जाए इसके लिए मुंबई के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को अलर्ट रखा गया है। समुद्र में दिन और रात में विशेष गश्त किए जा रहे हैं। इसमें जगह जगह पे बंदोबस्त लगाएंगे, नाकाबंदी हो या चेकिंग हो, ये पहले से हमने शुरू किया है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, गोवा भी आतंकियों के निशाने पर है। इसके लिए भी आतंकी समंदर का ही रास्ता अपना सकते हैं। पाकिस्तान के रास्ते भारत आने वाले जहाजों पर खास निगरानी है। कहा यह गया है कि इस बार की जो आतंकी हमले होंगे, होने के आसार हैं या इस तरह से आतंकी गतिविधियां तेज होंगी, वो खास करके व्यापारिक जहाजों के जरिए होगी, यानी मर्चेंट शिप के जरिए। वहां उन मर्चेंट शिपों में असलहा के जरिए यहां मुंबई, गोवा और गुजरात के समुद्री इलाकों को तबाह करने की कोशिश की जाएगी। हिदायत ये भी दी गई है कि जो पाकिस्तान और उस रास्ते से जो भी मर्चेंट शिप आते हैं उन पर कड़ी निगरानी रखे, लिहाजा कोस्ट गार्ड सहित कस्टम विभाग को भी पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है। राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। आजादी की सालगिरह से ठीक पहले आपको कुछ और खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं। रायसेना हिल्स, जहां नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन, ये वहां की तस्वीरें हैं और खूबसूरती के साथ सजाया गया है इन इमारतों को। जैसा कि हमने पहले आपको मुंबई की तस्वीरें दिखाई थी, वहां छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और BSE इसी तरह से रोशनी से सराबोर हैं। ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और सामने राष्ट्रपति भवन, सब रोशनी में जगमगाए हुए इस समय दिख रहे हैं। इसके ठीक दूसरी तरफ इंडिया गेट, ये राजपथ है और ये पूरा जितनी भी इमारतें यहाँ पर इस वक्त इसी तरह रोशनी में नहाई हुई हैं। कल आज़ादी की 70वीं सालगिरह मनाने के लिए पूरी तरह तैयार राजधानी दिल्ली, और उसके ठीक एक दिन पहले आज शाम आप देख रहे हैं इस रोशनी में जगमगाती हुई ये ऐतिहासिक इमारतें कितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। और उसके ठीक पीछे संसद भवन,
सामने राष्ट्रपति भवन और इसके ठीक ऑपोजिट यानी दूसरी तरफ इंडिया गेट। प्रधानमंत्री कल इंडिया गेट भी जाएंगे और शहीदों को नमन करेंगे, उसके बाद वो लाल किले की ओर रवाना होंगे और वहां से देश को संबोधित करेंगे। ये खूबसूरत नज़ारे ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि देश अपनी 70वीं सालगिरह मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। बहुत सारे धमकियां, बहुत सारे चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा देश पूरी तरह तैयार। और राजधानी की बात की जाए तो सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। तो ये तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीच में तस्वीर जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की है, मुंबई की, जो तिरंगे के रंग में सराबोर बिल्कुल नहाई हुई। और बाकी दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और ये राष्ट्रपति भवन की। हालांकि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतज़ाम है और इस वक्त कह सकते हैं कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, आम लोग को जाने के लिए मनाही भी है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को मौका मिला है वो पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ फ़ोटो क्लिक की जा रही हैं। वाकई जो भी वहाँ होगा वो इस खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में या अपने मोबाइल फ़ोन में कैद ज़रूर करना चाहेगा। बीच में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तिरंगे के रंग में ये इमारत बिल्कुल सराबोर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस समय राजपथ पर, राष्ट्रपति भवन, दूसरी तरफ नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक सभी रोशनी में नहाए हुए। तो 70वीं सालगिरह मनाने के लिए देश पूरी तरह तैयार। 15 अगस्त मुख्य कार्यक्रम कल होना है, लेकिन उससे पहले ही जो वातावरण है पूरा देशभक्ति से सराबोर, तो आजादी का जश्न मनाने के लिए देश पूरी तरह तैयार और हमारे सुरक्षा कर्मी भी पूरी तरह मुस्तैद हैं। आतंकियों की धमकी और पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बावजूद ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ये देश पूरी तरह तैयार। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारत और पाकिस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजादी का जश्न मना रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान में आजादी के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर हर साल की तरह इस साल भी हुसैनीवाला और वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजरों की ओर से भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को और अधिकारियों को मिठाई और फलों के टोकरे भेंट कर अपनी खुशी में शामिल किया जाता है। इस बार भी ऐसे ही कुछ हुआ है। दोनों देशों की सीमाओं पर तनाव के बावजूद भारत पाकिस्तान के जवानों में आपसी भाईचारा निभाते हुए देखा जा सकता है और एक साथ आजादी का जश्न मनाते देखा जा सकता है।
तो ये फ्लैग सेरेमनी की तस्वीरें आप देख रहे थे वाघा बॉर्डर से, जो कि रोजाना होती है, लेकिन आज और कल यानी 14 अगस्त 15 अगस्त दो खास दिन जब पाकिस्तान की आज़ादी की सालगिरह और 15 अगस्त भारत की आज़ादी की सालगिरह बनती है, तो जोश दोगुना नजर आता है। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। अगले वित्त वर्ष से रेल बजट पेश नहीं होगा, 92 साल पुरानी ये परंपरा अब बंद होगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को दिया था, जो मंजूर हो गया है। वित्त मंत्रालय ने 5 सदस्यीय समिति बनाई है जो बजट के मर्जर पर सुझाव देगी। समिति को 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इसे रेल और देश के हित में बताया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तभी कामयाब होगा जब केंद्र और राज्य सरकारों के उठाए कदम म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत स्तर तक पहुंचे। वित्त मंत्री ने कहा कि किसी निवेशक को पर्यावरण समेत तमाम मंजूरियां लेनी पड़ती हैं, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत से मंजूरी नहीं मिलने पर सारी प्रक्रिया धरी की धरी रह सकती है। अरुण जेटली ने कहा कि इसलिए स्थानीय निकाय के स्तर पर सुधार जरूरी है। कम आय वाले लोगों की घर खरीदने की इच्छा जल्द पूरी हो सकती है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 4 करोड़ सब्सक्राइबर्स को प्रोविडेंट फंड के बदले कम कीमत का घर खरीदने की स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव को अगले महीने होने वाली ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड के मंजूर करने के बाद स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत सदस्य बैंक, हाउसिंग एजेंसी और ईपीएफओ के बीच समझौता होगा। स्कीम के तहत सदस्य की भविष्य में कटने वाला पीएफ ईएमआई के तौर पर जमा किया जाएगा।